Bhagirathi River, this is Bhilangana River, and this is Alaknanda River, and this river. So this is Devprayag, this is Alaknanda, this is Bhagirathi, and this is Bhilangana. मैंने आपको इन सब का यहाँ का कुछ रिवर पैटर्न दिया होगा कभी क्लास में. सो एंड दिस इज से मंदाकिनी रिवर. तो जहाँ मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं, मंदाकिनी सो दिस इज रुद्रप्रयाग, इसको रुद्रप्रयाग, एंड दिस इज देवप्रयाग. एंड जहाँ ये दिस प्लेस इज जहाँ बोथ द रिवर्स ज्वाइन, we constructed a reservoir. This is very unique dam. This is called Tehri Dam. Tehri on river Bhagirathi, on the confluence of river Bhilangana. जब दोनों मिलती हैं तो यहाँ हमने डैम बना दिया. और ये डैम कुछ ऐसे है, जब हमने यहाँ डैम बनाया ऐसे, तो यहाँ जो कुल्लू टेहरी सिटी था वो यहाँ नीचे था. अब टेहरी सिटी को यहाँ हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया डैम, यहाँ टेहरी सिटी बन गई. सो बेसिकली ये जो डैम बना, दिस इज द डैम, दिस ये एंटायर एरिया गेट्स सबमर्स्ड, दिस एंटायर एरिया गेट्स सबमर्स्ड. जो यहाँ जब टेहरी सिटी था तब ये एरिया जो यहाँ आना जाना बहुत आसान था, वैली में था ये सिटी टेहरी. अब टेहरी को यहाँ शिफ्ट कर दिया पहाड़ी के एकदम ऊपर. तो ये जो एरिया है यहाँ कहाँ से जाए, यहाँ से तो जाने के रास्ते ही बंद हो गए. सो दिस एंटायर लैंड बिकम ए आइलैंड. अंडमान निकोबार जाना आसान है, इस आइलैंड पे जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई पुल नहीं है. दिस इज वाइड ह्यूज रिजर्वोयर इज देयर, यहाँ बहुत बड़ा रिजर्वोयर बना दिया इसको. टेहरी इज वेरी एंटरप्राइजिंग प्रोजेक्ट. इसके बारे में बस मैं दो मिनट का बता दूँ. ये एंटरप्राइजिंग इसलिए है, इसकी कैपेसिटी 1000 मेगावाट. अब 1000 मेगावाट से होता क्या है कि रात को टेहरी की सारी बिजली बिकती नहीं है, खरीदते नहीं है, क्योंकि रात को जरूरत ही नहीं होती बिजली की, बहुत कम जरूरत होती है. तो जो बिजली बचती है रात को, वो यहाँ से जो पानी निकला रिजर्वोयर से, जैसे टेहरी है यहाँ से, तो इस पानी को दोबारा पंप करके इसी में डाल देते हैं. अब जब पानी निकला तो रात को, एट नाइट, रात को इस पानी को इसमें डाल दिया, इसका लेवल ऊपर आ गया. तो दिन में 1000 तो रेगुलर मेगावाट है, और 1000 मेगावाट वो जो पानी रात को इन्होंने भरा था, सिर्फ उस पानी को निकालने से 1000 मेगावाट, उस उतने ही पानी से 1000 मेगावाट पूर बन गई. दिन में हमें बिजली की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो दिन में हमने बिजली बना दी दुगनी, रात को बिजली वेस्ट जाती है, जरूरत नहीं होती, उसको दोबारा उठा के यूज कर लिया इसको वाटर को भरने में. सो दिस इज यूनिक, नो वेयर एल्स इन द वर्ल्ड सच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट. दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बेसिस, ऑन एक्सपेरिमेंट बेसिस वी स्टार्टेड दिस. सो 1000, इसके थोड़ा सा आगे चल के फिर देखा यहाँ भी थोड़ी रिजर्वोयर, छोटा सा रिजर्वोयर बन सकता है. तो टेहरी से थोड़ा सा नीचे चल के एक कोटेश्वर प्रोजेक्ट बना दिया. कोटेश्वर ये 400 मेगावाट, 400 मेगावाट. तो टोटल देखिए 1000 और जो टोटल टेहरी इज 2400 मेगावाट. टेहरी की टोटल कैपेसिटी, जनरली टेहरी बनाया था 1000 मेगावाट के, 1000 में 1000 कौन कैसे हम जनरेट किया, जो रात को इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट जाती है उसी से हमने पानी को भर लिया. वो उतने ही पानी को दिन में जब फर्दर और टर्बाइन चला के निकाला तो 1000. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग मॉडल. सो दिस इज टेहरी प्रोजेक्ट. इसी के अलकनंदा पे भी हमारा विष्णु प्रयाग, हमारा एक प्रोजेक्ट है, विष्णु गंगा प्रोजेक्ट, इसको विष्णु गंगा है, यहाँ विष्णु गंगा प्रोजेक्ट है. ये बेसिकली जिंदल ग्रुप, गॉड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का है. विष्णु गंगा. सो दिस इज द बिगर प्रोजेक्ट. टेहरी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, टेहरी
और टेहरी के बाद विष्णु गंगा एंड ऑन दिस गंगा वी डोंट हैव एनी अदर फ्लोर, उसके अलावा पानी नहीं है और इतना पानी भी नहीं है कि इस पर बना सके। जब ये दोनों मिलती हैं देवप्रयाग में तो यहाँ ऋषिकेश है और यहाँ हरिद्वार है और फिर इसके बाद प्रेम में आ जाती है, तो हमारे इसकी यहाँ बना ही नहीं सकते। हाँ ये है कि ऋषिकेश में जहाँ लक्ष्मण झूला बना हुआ है ये बहुत बढ़िया साइट है किसी रिजर्व का, अब तो वहाँ वो डैम बन ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ ह्यूमन हैबिटेशन इज देयर एंड दे विल नॉट अलाउ टू कंस्ट्रक्ट दिस, बट वो लक्ष्मण झूला इज ऑन ए गॉर्ज इन ए वैली जिसके पीछे बैकग्राउंड में बहुत बड़ा स्टोरेज है जिसमें स्लोप भी है। आपने वाइट वाटर राफ्टिंग की होगी किसी ने, अगर गंगा पे वाइट वाटर राफ्टिंग होती है समर में, जिसको स्विमिंग नहीं आती उनको नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं अपने आप को स्विमर समझता था क्योंकि कई बार मैंने नर्मदा को भी पार किया है तैर के, लेकिन वहाँ अगर गंगा में उसका फ्लो और रिपेरियन करंट है ना, पानी जो ऐसे रोटेट करता है ना तो ऊपर से नीचे की तरफ ले जाता है फिर ऊपर उठाता है, अब जो नीचे गए तो कितना नीचे जाएंगे और कितनी देर तक नीचे घूमेंगे तब ऊपर आएंगे, तब तक तो ब्रीत खत्म हो जाएगी, तो इसलिए रिस्की है। जिसको स्विमिंग आती है वही उसमें जाना चाहिए, प्रॉपर सेफ्टी गार्ड लेके जा सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ एक बहुत बढ़िया राफ्टिंग का एरिया है, दिस इज कॉल्ड वाइट वाटर राफ्टिंग। सो दिस इज द वन थिंग अपार्ट, दिस इज, दीज आर द प्रोजेक्ट्स ऑन रिवर गंगा। आई वॉज टॉकिंग अबाउट द पंचेश्वर डैम, पंचेश्वर की मैंने उसकी बात की थी इसलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। Suppose this is Nepal and this is Uttarakhand and this river is, there is a river, ये river आती है और ये ऐसे चली जाती है, this is called काली river, काली river और ये नेपाल है और ये नेपाल है, ये लिपू लेक, ये लिपू क्या है, लिपू लेक पास, लिपू लेक पास है और यहीं लिपू लेक पार करते ही यही मानसरोवर लेक है जहाँ थोड़े दिन पहले न्यूज में था, क्या था, किस लिए उनकी न्यूज में था,